हाय हेलो वेलकम बैक। जैसे कि आप सभी जानते हैं हम कुछ नॉलेजेबल ऑन टेक वीडियोस बनाते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम अपने चैनल पर व्लॉगिंग भी कर रहे हैं और व्लॉग्स की कुछ वीडियोस डाल रहे हैं। न्यूली स्टार्ट किया हमने अपना चैनल, इसीलिए हम व्लॉग्स वगैरह की वीडियोस भी इसी चैनल पर डाल रहे हैं। मोस्टली जो लोग होते हैं वो व्लॉग्स वगैरह की वीडियोस अलग डालते हैं, लेकिन आज के लिए मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि अभी हम फ़िलहाल किस जगह पर हैं। इट्स वेरी शॉकिंग कि हम यहाँ पर इंडिया गेट पर अगेन दोबारा आ चुके हैं। हमने जो व्लॉग डाला था वो डे टाइम का था, लेकिन आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट इज द अमेजिंग व्यू ऑफ इंडिया गेट इन नाइट टाइम। सो लेट्स सी कैसा होने वाला है आज का ये व्लॉग, रात के दिन इंडिया गेट कैसा लगता है, क्या यहाँ का व्यू होगा। सो लेट्स सी गाइस, सपोर्ट के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो देखते हैं दोस्तों, अगर आप इंडिया गेट आना चाहते हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है। ये मैंने अपने डे टाइम वाले व्लॉग में भी बता दिया था, अगर आप इंडिया गेट आना चाहते हैं तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन से आ सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम इंडिया गेट के नाइट व्यू के लिए, कैसा लगता है इंडिया गेट रात में। ये देखें आप कितनी बेहतरीन सी लाइटिंग कर रखी है और कितना शानदार सा लग रहा है यहाँ का व्यू। वहाँ उधर पानी में ब्लू कलर की लाइट भी लगा रखी है, इधर देखें आप वो आपको चमक रहा है, उधर वो इंडिया गेट है जो तिरंगा कर रखा है। पानी में देखें आप लाइट कितनी बेहतरीन लग रही हैं और जितनी भी लाइटिंग यहाँ पर कर रखी है कितनी अच्छी तरीके से कर रखी है। उधर पानी में ब्लू कलर की लाइट भी दिखा रखी है, ये मैं आपको दिखाऊंगा ये करीब से भी। ये देखें आप कितनी अच्छी लग रही है लाइटिंग यहाँ पर, वो इंडिया गेट चमक रहा है, हम वहाँ भी जाएंगे। दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूँ, इंडिया गेट पर जितने भी घूमने वाले लोग आते हैं वो ज़्यादातर रात को आना पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों जितना व्यू दिन में इंडिया गेट का अच्छा लगता है, जितना अच्छा व्यू इंडिया गेट का दिन में होता है उससे कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा नाइट व्यू होता है। जी हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे नाइट में कितना अच्छा लगता है। आप वीडियो में देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है और कैसा एकदम से मूड बन जाता है यहाँ पर आने के बाद। आप देखें यहाँ पर फूड वगैरह के लिए भी सब कुछ अवेलेबल होता है, आइसक्रीम वगैरह और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, आप यहाँ पर वो भी सब इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन नाइट में इतना अच्छा व्यू होता है कि डे टाइम में आपको वैसा फील नहीं होगा और इतना अच्छा नहीं लगने का है। तो मेरे लिए पर्सनल सजेशन भी है मेरा कि अगर आप आना चाहते हैं इंडिया गेट तो रात को आना ज़्यादा, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो रात को आएँ। आप कोशिश करेंगे आप रात को आ सकें। ये देखें अभी जो मैं आपको बता रहा था, हम इंडिया गेट पर जब जाते हैं तो रोड क्रॉस करने के बाद सबसे पहले अंडरपास के थ्रू हमें गुजरना होता है। ये अंडरपास है, यहाँ पर देखें आप कितनी भीड़ है, कितने लोग इंडिया गेट पर रात के टाइम में भी आ रहे हैं, क्योंकि मोस्टली रात के टाइम में ही आते हैं। और जो आउट ऑफ द कंट्री हैं वो तो, जो दूसरे देश से फॉरनर्स वगैरह आते हैं वो दिन में भी आ जाते हैं, लेकिन जो भारत के लोग हैं यानी हमारे देश के जो लोग हैं घूमना आते हैं, और स्पेशली जो दिल्ली के लोग होते हैं वो अक्सर रात को घूमना आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कितना बेहतरीन व्यू होता है यहाँ का इंडिया गेट का और कितना शानदार सा लगता है इंडिया गेट रात में। बहरहाल दोस्तों हम आ गए हैं, हमने ऑलरेडी अंडरपास पास कर दिया। ये देखिए आप यहाँ पर, ये इधर को कितनी अच्छी सी लाइट लग रही है, और ये भी देखें आप इंडिया गेट है, कितना शानदार सा लग रहा है, तिरंगा कर रखा है। तो दोस्तों आपको ये लग ही रहा होगा कितना अमेजिंग है। और यहाँ पर देखो आप कितनी भीड़ है रात के टाइम में भी, रात के टाइम में ही ज़्यादा लोग आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें आप इसके कलर्स चेंज होते रहते हैं, देखें आप यहाँ कितनी भीड़ है, ये सब भीड़ है यहाँ पर। ये इंडिया गेट है, कितना शानदार लग रहा है, ये हमारे देश की खूबसूरती, हम सब सेल्फी वेल्फी ले रहे हैं इसके साथ, बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों आप अगर घूमना चाहते हैं तो आप ज़रूर आएँ, इतना अमेजिंग लगता है, मैं आपको बता नहीं सकता कि यहाँ पर आने के बाद इतना अच्छा सा लग रहा है लाइटिंग वगैरह देखकर और इंडिया गेट का व्यू देखकर कि इतना बेहतरीन सा सब, बहुत सारे लोग यहाँ घूम रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे आप भी आएँ तो देखें, मैं आपको दिखाऊँगा। इधर फुआरा है, इधर ये तीन रंग का फुआरा बनाया गया है, ये पानी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊँगा वो करीब से। ये देखें आप दोस्तों करीब से कैसा लगता है ये यहाँ पर, यहाँ पर भी सब सेल्फी वेल्फी लेते रहते हैं क्योंकि कितना शानदार सा लग रहा है। आप जब आएंगे ना तो जब आप यहाँ पर पर्सनली खुद देखेंगे तो बहुत अमेजिंग लगने वाला, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना बेहतरीन सा लग रहा हो, क्योंकि
क्योंकि दोस्तों मैं अपना बता दूं, मुझे तो बहुत बेहतरीन लगा यहाँ पर आने के बाद, मैंने बहुत इन्जॉय किया है। और मैं आपको बता दूं, हमने अभी व्लॉगिंग भी की है यहाँ पर कुछ बेसिक सवाल और जवाब की, जिनसे हमने जो हमने विजिटर्स से पूछा कि यहाँ इंडिया गेट क्यों बनाया गया है, जो बेसिक सी जानकारी होती है वो भी लोगों के पास नहीं होती। बहरहाल आप देखें कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का व्यू, ये आप देखें लोग कितने सारे हैं यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं सर। दोस्तों आप भी ज़रूर आएँ, कितना ऐसा अमेजिंग सा व्यू है, ये देखें आप कितना अच्छा लग रहा है ये फुवारा, कितना अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ। और इधर को देखें आप, ये जो स्टैचू है ये अभी रिसेंटली बनवाई है सरकार के द्वारा, ये सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू है, मैं आपको करीब से भी दिखाऊँगा ये स्टैचू। तो गाइस ये देखें आप, सुभाष चंद्र बोस जी सैल्यूट पोजिशन में खड़े हैं, कितनी अच्छी सी स्टैचू इनकी बना रखी यहाँ पर। बहरहाल ये देखें आप, इधर को मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इंडिया गेट है और कैसे लोग यहाँ पर, ये दूसरी साइड का फुवारा है यहाँ पर कितना। आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा। दोस्तों अगर आप हमारा दूसरा व्लॉग देखना चाहते हैं जिसमें हमने पब्लिक से सवाल और जवाब किए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो को देखें।